हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे एक्टिव पैसिव, जिसमें एक्टिव वॉइस को हम चेंज करते थे पैसिव वॉइस में। उसके लिए कुछ रूल थे, जिसमें पहला रूल था एक्सचेंज सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा रूल था टेंसेस चेंज, जिसमें मतलब ये था कि हेल्पिंग वर्ब का चेंज कैसे करना है। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट की होती थी उसे हम कंटीन्यूअस में ले जाते थे, और जिसमें कंटीन्यूअस की होती थी उसमें हम बींग जोड़ने लगते थे। मतलब ये हुआ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। नेक्स्ट चेंज ये था कि परफेक्ट में जितने भी सेंटेंस दिए जाते थे उन्हें परफेक्ट कंटीन्यूअस में लाते थे, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का चेंज नहीं होता था, लेकिन बाकी सारे रूल अप्लाई होते थे। टेंस अगर चेंज नहीं भी होता है तब भी हमें बाकी सारे रूल अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद एक फैक्ट निकल के आया था कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब का चेंज नहीं होता है, विल बी और शैल बी ही लगाते हैं। इसके बाद तीसरा रूल ये था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं। उसके बाद चौथा रूल ये था कि सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट की तरह जोड़ रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, बाय का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिए थे, जैसे राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, जिसका हमने अगर पैसिव वॉइस करना होता था तो क्या बना था, द क्रिकेट इज बीइंग, क्योंकि इज पहले से था तो मतलब कंटीन्यूअस में था, तो कंटीन्यूअस को ही कंटीन्यूअस में रखते हैं और बीइंग जोड़ने लगते हैं, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो बी कुक द फूड, ये था जिसमें द फूड, अब देखो इंडेफिनिट में है तो किसमें लाना है, कंटीन्यूअस में लाना है, द फूड इज कुक्ड, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, इसलिए कुक्ड बाय अस। तो अब हम इसी का अगला पार्ट कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे किया जाता है। तो रूल वही रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, उसके बाद जो टेंस की प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा, अभी इंडेफिनिट से कंटीन्यूअस में जाते थे तो कंटीन्यूअस से अब इंडेफिनिट में आने लगेंगे, और जहां पर बींग जुड़ता था वहां से बींग हटाकर कंटीन्यूअस में आ जाएंगे। उसके बाद जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होते थे वो परफेक्ट में आने लगेंगे। अब एक चीज तो समझ में आ जाएगी तुम्हें कि जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस रहेंगे वो ना तो इंडेफिनिट में हो सकते हैं ना ही परफेक्ट में हो सकते हैं। वो दिए जाएंगे तो किस में दिए जाएंगे, कंटीन्यूअस में दिए जाएंगे या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिए जाएंगे। इसके अलावा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, जिस टेंस में आएंगे उस टेंस के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने पढ़ाया था शुरुआत में कि इंडेफिनिट के सभी टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और दूसरे नंबर पे पढ़ाया था कंटीन्यूअस के सभी टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और तीसरा पढ़ाया था परफेक्ट के सभी टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और चौथा पढ़ाया था कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ समय दिया जाता है। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैंने बनाया था द फूड इज कुक्ड बाय अस, तो हमें सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड्स क्या है। तो सबसे पहले अगर इसमें आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट होता है, तो द फूड हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कुक्ड हो गया वर्ब, और लास्ट में जो अस बचा वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें इज तो लगा है लेकिन इज के बाद बींग नहीं लगा है, तो मतलब ये हुआ कि ये इंडेफिनिट में था और कंटीन्यूअस में लाया गया है। तो अगर हम इसे रिवर्स करें तो सबसे पहले अस को हम कर देंगे बी, उसके बाद अब इसे इंडेफिनिट में बनाना है। अब देखो इज लगा है तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हुआ, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लाएंगे, तो हम इसमें कर देंगे वी कुक द फूड, वी कुक द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो कानपुर वॉज गॉन बाय हिम, कानपुर वॉज गॉन बाय हिम, इसमें भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सिंपल सा कंपेयर करते हैं, कानपुर सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, गॉन वर्ब, और लास्ट में जो रहा वो ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें भी वही रूल अप्लाई करने हैं, एक्सचेंज करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, टेंस की प्रोसेस को रिवर्स करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि आप टेंस के हिसाब से वर्ब लगानी है। तो अब चलो इसमें हम इसे चेंज करते हैं किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो हिम का हो जाएगा ही। अब ये बताओ तुम, यहां पे बॉस दिया गया है, बॉस के बाद बींग तो है नहीं, तो मतलब ये है कि इसे कंटीन्यूअस में लाया गया था, ये था नहीं, इसे कंटीन्यूअस में लाया गया था, तो इसमें किसमें जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो ही वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ही वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू कानपुर। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, सीता हैज बीन बीटन बाय द बॉय, तो अगर हम इसे रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा, द बॉय, यहां पे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा द बॉय,
अब देखो यहां पे हैज बीन दिया गया। अब एक चीज बताओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस के सभी टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसके साथ समय दिया जाता है। क्या यहां पे समय दिया गया है? तो मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में था नहीं, इसे लाया गया था। तो अब इसे हम किस में ले जाएंगे? परफेक्ट में ले जाएंगे। तो परफेक्ट में ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बीन का हटाना, बीन को हटाना है सबसे पहले। तो द बॉय हैज बीटन सीता, बॉय हैज बीटन सीता। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।